मैं नारकली में जब फर्स्ट टाइम गया तो मैट्रिक मेरे यानी कि क्लियर हुआ, और मैट्रिक के भी कुछ पेपर लास्ट दो नहीं दिए मैंने। अच्छा। अंडर मैट्रिक हूँ मैं, ऐसे ही बोलूँ, ये नहीं है कोई, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, वो काम हम में नहीं है, हम सीधे सीधे मुंह पे जवाब दे देता हूँ, सीधी सीधी बात कर देते हैं। वो नहीं है कि मैंने MBA किया हुआ, वो किया हुआ, वो किया, वो लाइफ हमारी नहीं है जी। हमारी लाइफ है सच्ची और सीधी, और दिल नेक वो जब कहते हैं ना कि नेकी के रास्ते पर चलना है, तो वो फिर उसमें झूठ वाली बात कोई होनी नहीं चाहिए। आपको इसमें भी एक ट्विस्ट डाल देते हैं, मैं अपना वो एक मैसेज में अहमद भाई को बोल दूंगा कि मुझे जितनी लगती है, मुझे लगती है कि इनकी उम्र इतनी है, आपने गैस लगाना है, जो ये गैस के करीब तरीन होगा या वो गैस उसका सेम निकल आएगा, उसको मेरी तरफ से ब्रांडेड कट पीस की तरफ से एक अदद सूट गिफ्ट दूंगा। ठीक है जी, आपने कमेंट सेक्शन में बताना जरूर है कि मैं एक लफ्ज इनको बोल दूंगा कि ये है जिनका ये होगा, वो पहले जो कस्टमर होंगे उनके फिक्स आ गया कि मैंने जेन में जो सोचा हुआ है वो उनको मैं पहले बता दूंगा, तो उनको आपके घर में आपने ड्रेस सेंड करना, आपके घर में सूट डिलीवर मैं खुद देने आऊंगा, खुद देने आऊंगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम दशफाक और आप देख रहे हैं आई डॉट ए ऑफिशियल व्लॉग्स। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ईद मुबारक को, जैसा कि रमज़ान गुजर चुके हैं और आपके लिए ईद मुबारक तो बनता था आपके लिए, तो आपने जैसा कि हमें दुआओं में भी याद रखा, इतना प्यार दी, मोहब्बत दी, तो आज ख़ास तौर पर हमने चाहा कि क्यों ना आसिम भाई और मैं सबसे पहले आपको ईद मुबारक कहें, और उसके बाद कुछ हम ज़ाती तौर पर अपने बारे में कुछ बातें करेंगे, जो कि आसिम भाई से मैं कुछ पूछूँगा, कुछ आसिम भाई हमारे बारे में पूछेंगे। वो इस तरह की, जैसे कि आप जानते हैं हमारा चैनल आसिम भाई का ब्रांडेड कट पीस है, कपड़ों का कारोबार, वो भी ब्रांड के, तो यहाँ तक पहुँचे किस तरह पहुँचे, कुछ आसिम भाई पूछते हैं हम मुझसे और कुछ मैं आसिम भाई से पूछता हूँ। चले सलाम करते हैं पहले जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या आसिम भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, आज तो हमने कोई कपड़ों की कोई खाटी ब्रांड ये कुछ नहीं हमने अंदर लेकर आने, आज हमने सिर्फ अपनी बातें करनी है। आसिम भाई स्टार्ट करते, मैं कुछ आपसे पूछना चाहूँगा। अल्लाह ताला सबको माशाल्लाह रिज्क देता है और किसी को अपने नसीब का देता है, कोई किसी से किसी का नसीब नहीं छीन सकता, किसी की शोहरत इज्जत पैसा नहीं छीन सकता कोई। तो आपने स्टार्ट किया, जैसा कि आपने बताया था एक वीडियो में कि 15 साल पहले मैंने काम एक शागिर्दी से शुरू किया, आज माशाल्लाह अपना ब्रांड भी आ गया और काफ़ी रिस्पेक्ट मिल रही है माशाल्लाह। एक बार पूरे पाकिस्तान को, और जैसा कि वीडियोस बाहर भी चलती हैं उनको पता चल जाता है, एक बार लाहौर में कोई चीज़ है जहाँ पर कपड़े बाहर आए तो और किस तरह के मिलते हैं, एक कंप्लेन जीरो है। बाकी आपसे पूछते हैं कि किस तरह ने सफ़र शुरू किया और उम्मीद थी यहाँ तक पहुँच जाएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू ब्रांडेड कट पीस। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, एच ए बिलो की तरफ से, सबकी तरफ से दिली ईद मुबारक, वो भी एडवांस में, ताकि अभी ईद में दो दिन पड़े हैं तो हम आपको पहले से दिली ईद मुबारक देते हैं जी। ब्रांडेड कट पीस की तरफ से दोबारा से कह रहा हूँ, हमारे जो चैनल एच ए बिलो की तरफ से, और हमारी तमाम बहनें भाई जो हमसे तावन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से ही हम हैं, और आप सबको दिली गहराइयों से ईद मुबारक। और दूसरा, आज हम जिस मकसद के लिए वीडियो बना रहे हैं, आपको पता है कि एक ईद का त्यौहार हमारे सर पे, अल्हम्दुलिल्लाह खुशियां आ रही हैं, तो हम कहते हैं कि आपके साथ कुछ बातें, और जो हमारे साथ ये 5-6 माह में यहाँ पे गुजरा, आपका यानी कि आपने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया, और सबका यानी कि जो जो बातें थी ज़रा थोड़ी सी मैं कह रहा हूँ कि हो जाए तो बेहतर है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने, और एक और चीज़ आपको बता दें कि आज ज़्यादा खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों बता देते हैं जी। देखें, अभी तो पर्सनली जब हमारे सूटों से, ब्रांड से हट के बात होगी तो हम ज़रूर शेयर करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने एक और खुशी से हमें नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कभी स्टेटस पे नहीं लगाया, तो अक्सर कस्टमर्स कहते थे कि यार आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताते नहीं हैं, कुछ जिक्र नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल 27वीं रात थी, तो कल अल्लाह पाक ने मुझे बेटा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने वो स्टेटस पे भी लगाया था, तो बहुत से हमारे जो बहन भाई हैं उन्होंने मुबारकबाद माशाल्लाह बहुत सा हमें किया। तो ये वही करते हैं जिनके साथ दिल के साथ दिल की राय होती हैं जी, हमने आपके साथ अगर खुश होते हैं, जो दिल से खुश होते हैं जी, जिनको कोई टेंशन नहीं होती है,
तो नहीं तो आपको पता है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, खास तौर पे मैं बोलता हूँ गैरों से तो किसी का कोई शिकवा कोई गिला बनता नहीं है, जो अपने होते हैं वही ज़्यादातर होते हैं, ऐसे हसद 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 लोगों में ख़त्म हो जाए तो दुनिया बेहतरीन हो जाए जी। जी बिल्कुल हम तो यही सुना है शुरू से कि बोलते हैं कि जो नसीबों में है वो मिलेगा, जी और वो बिल्कुल आपको घर बैठ के भी मिलना ही मिलना है, ये जी लोग मानते नहीं हैं। मैं इस चीज़ पर बड़ा पुख्ता यकीन रखता हूँ। और दूसरी बात, किसी के कोई नसीब छीन नहीं सकता, ये तो ये है तो पढ़ी लिखी बात है जी, ये दिल में उतार लें, यकीन रखें। किसी की तरफ देख कर अगर कोई खुश होता है तो मैं कहता हूँ अल्लाह पाक उसको ज़्यादा देता है, ज़्यादा जी नवाजता है, तो खुश हुआ करें जी। बिल्कुल, अल्लाह पाक आप सबको बहुत बहुत दे, बहुत बहुत जी तरक्की सबको दे जी। तो उसके बाद हमजा भाई ने आपको बात बता जी दी। नेक्स्ट पूछा जी कि आपने जैसे करियर स्टार्ट किया, वो हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से जब से स्कूल जी लाइफ छोड़ी तो कपड़े की फील्ड में आ गया, तो उसके बाद ऐसा ऐसा तकरीबन 8 साल मैंने जॉब की है एक जगह पे अनारकली में अच्छा, जी। अगर आप जरूरी समझे मैं बता सकूँ, क्योंकि मैंने तो बताया था, मैं भी थोड़ा अपने बारे में बताऊंगा। अच्छा, आपको उस वक्त सैलरी कितनी मिलती थी? जो मैं अनारकली में जब फर्स्ट टाइम गया तो मैट्रिक मेरे निके क्लियर हुआ, और मैट्रिक के भी कुछ पेपर लास्ट दो नहीं दिए मैंने, अंडर मैट्रिक हूँ मैं, ऐसे ही बोलूँ, ये नहीं है कोई मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ वो काम हम में नहीं है, हम सीधे सीधे मुंह पे जवाब दे देता हूँ, सीधी सीधी बात कर देते हैं, वो नहीं है कि मैंने MBA किया हुआ, वो किया हुआ, वो किया, वो लाइफ हमारी नहीं है जी। हमारी लाइफ है सच्ची और सीधी, और दिल नेक नेक वो जब कहते हैं ना कि नेकी के रास्ते पर चलना है, तो वो फिर उसमें झूठ वाली बात कोई होनी नहीं चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह के शुरू से जो आइडियल माना, जब से इस फील्ड में आया तो वो हमारे जुनेद जमशेद थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आज भी हमारे दिलों में वो जिंदा हैं। जी ये जो बिल्कुल मेरा आप गुलिया देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुन्नत मैंने उनकी तरफ से एक्सपायर होकर ये चीज़ मैंने रखी है, और अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक ने उनको तजारत के रास्ते में थे, अल्लाह पाक ने उनको अपने पास बुला लिया, लेकिन वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा जी हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने जो लाइफ अपनी छोड़ी और जिस लाइफ में आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है जी, ये मैं कहता हूँ जिंदा मिसाल है। तो जी उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे जो मेरे अब्बा ही के आइडियल हैं वो मौलाना तारक जमील साहब हैं जी, वो उनके उस्ताद थे, तो वो हमारे तो उस्ताद ही हुए, जी दादा तो साथ हो दादा गए उस्ताद हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह उनके साथ भी आपकी हम एक वीडियो बनाएंगे, मुलाकात करेंगे, उनका एक ब्रांड आ रहा है जी MTJ के नाम से, तो इंशाल्लाह वो पंजाब उनसे हम रिक्वेस्ट करके लेंगे ज़रूर, और ताकि आपको वो सारा उनका जितना स्टॉक है सिर्फ ब्रांडेड कट पीस पर मिले। जी बात करें तो इंजी भाई की, इंजमाम भाई अल्हम्दुलिल्लाह लेजेंड्स का जो माल है वो पंजाब पूरा हमने उनसे ले चुके हैं जी, जी KP के पंजाब हमारे पास है, तो वो आपको जिस रेटों पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको इससे पहले ही एक थोड़ा सा हमने स्टॉक दिया है, जिसमें आपको बहुत इंतहाई सस्ते रेटों पर दिया है, और ये गारंटी देते हैं कि आपको पूरे पाकिस्तान में जो रेट है ब्रांडेड कैटेगरी से मिलेंगे, कहीं से नहीं मिलेंगे, ये तो आपको पता ही है। जी क्योंकि हमारे साथ, आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारे साथ जो हम बोलते हैं वो करते हैं, जी हमारा वो काम नहीं है कि अगर स्टॉक नहीं है तो वीडियो बना दी तो बाद में आए तो खत्म हो गया, खत्म हो गया जी, ऐसे नहीं होता है। हमारे पास जो होता है हम स्टॉक दिखाते भी हैं और देते भी हैं, और जो शेड्यूल हम देते हैं वो आपको बोला हुआ है कि अभी भी आपको दोबारा रिपीट कर दें कि बड़ी ईद से बाद भी जब तक गर्मियां मौजूद हैं और हमारी आवाम की हकूमत है ब्रांडेड कट पीस पर, जब जाएं जितना मर्जी स्टॉक लेकर जाएं जो सेल होता है, ठीक है, नहीं तो वरना आके चेंज करवाएं, जितना मर्जी जितना चाहें उतना चेंज करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। आप आएं, सिर्फ काउंटर पे उनको सूट दें, 50 हैं 100 हैं कोई मसला नहीं है, घर बैठे जितना मर्जी स्टॉक मंगवाएं, लेकिन हम आपको ये बात ज़रूर कहते हैं कि आप एक मरतबा स्टेप लें, अल्लाह पाक बरकत देने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत से लोग हमारे पास हमारे साथ अटैच हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी काफ़ी बातें मैंने अपने बारे में कुछ बताई, कुछ मजीद सैलरी बताऊंगा। वाली बात बीच में ही रहेगी, हम आगे हाँ सैलरी वाली, तो मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी वो 1500 रुपये थी। अच्छा, 1500 रुपये, 1500 रुपये, लाइन में थे 1500 रुपये पे मेरी सैलरी थी। अनारकली में बाबर मार्केट है, वहाँ पे नजमी वाले हैं, तो अच्छा नजमी वालों के पास मैं था जी, वहाँ पे 1500 रुपये सैलरी मेरी फर्स्ट सैलरी थी, और उनके पास मैंने 9 महीने काम किया, तो 9 महीने में वो सैलरी मेरी 2000 रुपये तक गई, बस उसके बाद स्टॉप हो गई। उसके बाद मैं रिवाज बुटीक पर आया, जो कि मेरे उस्ताद हैं रेडीमेड के, उनके पास मैंने 8 साल काम किया हुआ है, एक ही दुकान पर काम किया, लेकिन दूसरे साल ही मैं अपनी फैक्ट्री लगा के साथ अपना वो यूनिट चलाता था, उन्हीं को माल भी बना के देता था, और साथ में मैं उनसे उनके पास जॉब करता था, तो उन्होंने मेरी स्टार्टिंग सैलरी 2500 रुपया लगाई थी, और मैंने उनके पास 8 साल में
में सिर्फ 7500 रुपया सैलरी मेरी हुई, यानी कि एक साल के बाद 500 रुपया फटते थे मेरे सिर्फ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। मेरा अभी भी अनारकली में यूनिट भी है, स्टिचिंग यूनिट मेरा अपना 50 मशीनों का यूनिट है मेरा पूरा, कटिंग मास्टर मेरे पर सारा सेटअप मेरे पास मौजूद था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस लाइफ में जैसे ही टर्न लिया, हम बाहर से लौटे उठाकर सिर्फ बंद लौटे सेल करते थे, जो कि हम गोदाम अनारकली में मेरे मौजूद हैं, अभी भी हैं मेरे पास, तो वो वहाँ पर बंद बेचते थे। तो लोग कहते थे कि आप इतना सस्ता बेच देते हैं और आप खोल के हमें क्यों नहीं देते हैं, हमें आगे कोई लेके जाता था वो बहुत महंगा देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने शोरूम बनाया और जब से ये सिलसिला कार शुरू किया कि हमने एक दो बातें की कि इसमें से हमने माइनर सा प्रॉफिट लेना है जो कि ना होने के बराबर होगा, हमने सिर्फ यानी कि। और दूसरी बात आपको और बता दूं कि हमने होलसेलर और रिटेलर सेम कर दिए, क्योंकि जो रिटेलर खवातीन घर बैठे काम करना चाहते हैं, जो कहते हैं कि पहले ही होलसेलर को फायदा होता है क्योंकि वो तो ऑलरेडी दुकानें चला रहे हैं, उनके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, ऐसे ही है। तो वो उनसे लेके तो और महंगा फिर वो मुश्किल हो जाती है। तो हमने ये 6 महीने में सभी को एक इक्वल रेट पर दिया, जो एक पीस लेने आता है उसको भी सुपर होलसेल रेट पर हम देते हैं ताकि वो भी सर्वाइव कर सके, वो भी आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ। वो कहते हैं ना, मेरे साथ मेरे 3 भाई हैं, कासिम भाई हैं, जैन भाई हैं, वो मेरे बाजू हैं, ठीक है ना, 3 बाजू हैं मेरे के। वो काउंटर पे जैन भाई फुल आपको दिन रात वहीं पर होते हैं, मेरा काम परचेजिंग का है, साथ में यहाँ पे भी एंटर रहता हूँ। कासिम भाई का मैनेजमेंट का काम है सारा, जो कि हर चीज़ को मैनेज करते हैं, ये गोदाम को, ये आप जो वेयर हाउस आपको दिखाया था हमने गोदाम बनाया उसको भी सारा को वही मैनेज करते हैं। लेकिन अब मैं बोलूँगा कि हमारे साथ 500 या 1000 2000 बाजू हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो खवातीन नहीं अटैच हुई हैं, जो एक एक दो दो पीस लेके गई थी, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते का 1-1.5 लाख रुपए का सामान सेल करती हैं। जैसे कोरोना लगा हुआ घर बैठे काम करना कोई मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं कहता हूँ कि 200-300 पीस रुपए एक पीस के पीछे 200-300 बच जाता है, तो दिन में 8-10 पीस भी आप बेच लें तो आपका सर्कल चल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे बाहर के हालात हैं जी, तो 500-600 रुपए दिहाड़ी अगर किसी को मिलती है तो उससे खर्चे, उससे घर में काम नहीं होता। तो इसीलिए आज आपको ये चीजें सब बताई हैं। अब थोड़ा सा हम टर्न लेते हैं ताकि दो तरफा आपको बातें सुनने का मजा आए, हर बातें मैं ही बताता जा रहा हूँ। अब आते हैं अहमद भाई, हमजा भाई की तरफ, अहमद भाई को भी बीच में लेके आएंगे, आप टेंशन नहीं लेनी आज आपने। तो आज हमजा भाई की तरफ चलते हैं, तो अब उनसे थोड़ा सा पूछते हैं, फिर उसके बाद मैं अपनी तरफ आऊंगा, फिर एक तरफ अच्छी सी इसको हम हैप्पी एंडिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट लेते हैं ऐसे के दोबारा जैसे अभी हमजा भाई आए हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा भाई हमारे पास एचए व्लॉग की तरफ से हमारे चैनल से मौजूद है, तो इनसे कुछ पूछते हैं इनकी लाइफ के बारे में, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में और सोशल मीडिया की लाइफ के बारे में, ताकि उस लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा हमें बता दें, ज्यादा ना बताएं, जो हिडन है वो रहने दें, अगर बताना चाहें तो एज यू विश कोई इशू नहीं है। और दूसरी बात बता दें कि हमारे जो दिल में होता है वो बोल देते हैं, हमारी कोई प्री प्लानिंग नहीं होती है, हम कुछ लिखते नहीं है, कुछ बात नहीं करते, कुछ डिस्कस नहीं करते हैं, ताकि सच मुंह से ही निकले, कोई बात वैसे भी निकले तो सच ही निकले। तो हमजा भाई बताएं आप हमें अपनी लाइफ के बारे में, सबसे पहले तो ये पूछते हैं इनकी एज कितनी है। मेरी एज अब पिछली बार जो इंटरव्यू हुआ था उसमें 21 पूरी नहीं थी, अब माशाल्लाह 21 हो चुकी है। तो मैं अगर बताऊँ तो लाहौर में मारे जद्दी कुछ इस तरह कहते हैं ना, पक्के लाहौर के बंदे हैं, ना कोई अपावजदाद इंडिया से ना इधर उधर से, तो पक्के हम लाहौर के बंदे हैं। तो जैसा कि मेरी पढ़ाई अगर मैं बताऊँ तो स्कूल मैंने लाहौर कैंट, मेरे घर वालों ने डाला, तो बड़े बहन भाई जो आर्मी पब्लिक स्कूल लाहौर कैंट एरिया, वहाँ पर उन्होंने स्टडी कंप्लीट की। तो मुझे अक्सर मैं ये बात काट रहा हूँ, आपकी आपने कितना कितनी तालीम आपकी? मैंने एफए किया, मैंने बताया था लोगों को। ओ सर एफए किया हुआ, जबरदस्त जी। मैं थोड़ा पढ़ता कम था, मैं कारीगर जैसे बंदा कहता ना कारीगर देन था, तो मेरे अबू के माशाल्लाह गराज था, वर्कशॉप थी। तो आज मेरा जो ताल्लुक बन चुका है ना, मैं कहता हूँ मेरा 10% भी नहीं है जितना माशाल्लाह मेरे अबू का था, एक्टर MPM, इस तरह कई लोग जो कि अबू के पास गाड़ियाँ खरीद करके जाते थे उस्ताद जी। अच्छा मैं उस्ताद जी का लफ्ज़ यूज़ किया, मेरे अबू को आज भी लोग उस्ताद जी के नाम से जानते हैं, तो आज मुझे हमजा के नाम से नहीं इशफाक के नाम से जानते हैं। जबरदस्त जी, ये आज भी अब आइंदा के बाद भी हम भी बोलेंगे हमजा इशफाक, इशफाक हमजा बोल देंगे जी जनाब इंशाल्लाह। सही हो गया। इस तरह माशाल्लाह स्टडी कंप्लीट की, तो आधे से ज्यादा मुझे जो फैमिली मेंबर रिश्तेदार ज्यादातर गैर बंदे भी औरम साहब भी वो कहते होते थे ना मुरब्बे संभालने अपने अबू के, मुरब्बे से मुराद बता दो 25 एकड़ का एक मुरब्बा होता है, उसे मुरब्बा कहा जाता है, खाने वाले मुरब्बे नहीं। वो कहते थे मुरब्बे संभाल भैंसे चरानी है, इन्हें फार्म बनाने हैं, ये पढ़ेगा नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता, ये बड़ी बातें होती थी। तो ये कभी मैंने पहली बार बता रहा हूँ, तो ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि मेहनत करो, खामोशी से करो, जो कुछ करना चाहते हो करो इंशाल्लाह। आज
आसिम भैया ये गवाही दे सकते हैं मेरी, और बाकी जो देखने वाले उनको पता है माशाल्लाह जिस मुकाम पर आज मौजूद है, पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन आज इतने के माशाल्लाह पैसे कमा लेता हूँ कि बस शुक्र अल्लाह का। और जो चीज़ कर रहा हूँ आज गाड़ियाँ भी पास है, सब कुछ ठीक है, ज़्यादा सफ़र मोटरसाइकिल पर कर रहा हूँ। एक कोशिश है कि गाड़ी लेनी है अपने पैसों की और खुद चलानी सीखनी है इंशाल्लाह जी। अल्लाह पाक इनकी जो नीयत है, देखें मैं एक बात बोलता हूँ, नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत करो किसी भी चीज़ की तो अल्लाह पाक गैब के खजाने से भी मदद कर देते हैं। जितना मर्जी किसी इंसान पे, मेरे दोस्त हैं नारकली में काफी, तो उनके ऊपर काफी कर्जे वगैरह थे, बड़े शान घरों के बैठ के, मैं कहता हूँ हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को, एफर्ट करती रहना चाहिए और नियत करो। आपके पास पैसे नहीं भी है, नियत करो, अल्लाह पाक उसका रास्ता निकाल देता है, बेहतर हो जाता है। तो उम्र भी जान ली, तलीम भी जान ली, बैक इनके एरिया अपना उन्होंने सब बता दिया कि बैकग्राउंड पे मेरा इनके क्या क्या सिस्टम था, सारा कुछ बता दिया। और थोड़ा सा और भी पूछते हैं कि आपका इनका ईद का जो ये छुट्टियां लॉकडाउन आ गया, इन्होंने क्या करना है, क्या प्लान किया हुआ, कहीं जाने का प्लान किया या वैसे ही कर ही रहना है? प्लान तो इसी तरह के पहले दिन तो जारी बात है, मेहमान घर में आ जाते हैं, कोई दोस्त मिलने आ जाते हैं, और शाम टाइम अब तो एक नई जगह पे हम शिफ्ट हो गए हैं, उधर तो रात पहले रूटीन थी हमारी वो 12-1 बजे या 11 बजे सो जाना, अब 2-3 बजे रात सारी क्रिकेट खेलते रहते हैं, तो उसके बाद थोड़ा लेट उठते हैं। अब थोड़ी चेंजिंग हुई है लेकिन इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी उठा करें, रूटीन थोड़ी ख़राब हुई है। साथ ही ईद में तो यही है कि ज़्यादातर मेहमान आएंगे, फैमिली मेम्बर्स आएंगे, ईद वगैरह मिलेंगे और तोहफे वगैरह आपको पता होगा। वो तो प्लान हो गया घर का, ईद का एक पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तो कोई एंटीक सा प्लान बनाया होगा दोस्तों के साथ, कहीं घूमने शूमने का या कोई पूल पार्टी करने का या बारबेक्यू करने का। वो तो बारबेक्यू तो, वो तो सारी बात है, दोस्तों ने आ जाना, बारबेक्यू तो चलती रहती है लेकिन आपको पता पार्क्स वगैरह और घूमने फिरने वाली जगह तो सब कुछ बंद, लॉकडाउन की वजह, कोविड की वजह से साला बहुत ब्लॉक किया जा सकते हैं। हाँ इंशाल्लाह वादा हमारे व्यूअर्स से, इंशाल्लाह जिस तरह ये लॉकडाउन वगैरह खत्म होगा हम इंशाल्लाह एक नया चैनल भी शुरू करेंगे, और साथ में हमने वादा किया हुआ है कि हमें ना आउट ऑफ कंट्रीज जाना, आउट ऑफ सिटीज जाना है, इंशाल्लाह 5-6 महीने के अंदर आपको हम इंशाल्लाह एक एक कंट्री हमने लाभ भी फिर दिया, आपकी दुआएं हमारे साथ और आपको हम साथ लेकर चलेंगे, वीडियो आप देखते रहेंगे। शौक बड़ा वो इसलिए मुझे शौक था बैठ जाने का, तो अल्लाह ने आज पाकिस्तान में इतना सेट कर दिया कि आप घूमने फिरने भी जरूर बैठ जाएंगे इंशाल्लाह जी। अल्लाह पाक आपके सारी ख्वाहिशात जो है पूरी करें, और ये नया चैनल एक और शुरू करने वाले हैं जो ईद के बाद या इंशाल्लाह कमिंग सून में डाल देते हैं, अभी कुछ इनके बारे में पूछते नहीं है, वो आपको बताएंगे अहमद भाई, ठीक है, क्योंकि अहमद भाई बैकेट पे रहते हैं, वो चैनल मेरा ख्याल अहमद भाई शुरू करने वाले, तो अहमद भाई से चैनल के बारे में पूछेंगे, क्योंकि HA व्लॉग तो हमने, हमारा वो तो ब्रांडेड कट पीस का है, ठीक है ना, तो उसको तो हमने ब्रांडेड कट पीस के नाम लिखा हुआ है, हमने मोर लगा दी हुई है, तो नया चैनल शुरू करेंगे, वो सबके लिए होगा, वो इशू नहीं है, लेकिन ये चैनल ब्रांडेड कट पीस का ही है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा, और आप सबकी दुआओं की वजह से। देखें आप सबके जब तक हमें लाइक्स कमेंट्स व्यूअर्स नहीं मिलते तो ये चैनल कैसे चलेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका हमारे इनके वो बैकअप पे बहुत स्ट्रांग हाथ है आपका अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम चलते हैं और अहमद भाई को इन्वाइट करते हैं कि अहमद भाई भी आए हमारे साथ और कुछ उनके बारे में भी पूछते हैं, जो पीछे बैठ के सिर्फ और सिर्फ हंसते रहते हैं ज्यादातर, तो आज बोलते हैं फ्रंट कैमरे पे आए और हंस के दिखाएं जरा हमें। और आज हमारे पास मौजूद है जो कैमरे के पीछे बैठ के हंसते रहते थे अहमद भाई, आज हमारे पास साथ आके बैठ चुके हैं। अभी देखते हैं इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और पूछते हैं, और ये भी हम तो आराम से, मैं कह देता हूँ ये कैमरे के पीछे हंसते रहते बैठते रहते ये काम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मुश्किल काम है ये, हम तो आगे बैठ के ये तो है ही है ना, लेकिन ये पीछे वाला एरिया भी कि कोई वीडियो खराब ना हो जाए, स्टार्ट माइक हर चीज का ख्याल रखते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, आप अपने बारे में बताएं। वालेकुम अस्सलाम, बताएं जी आज अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा हमें, कि आपका करियर, हमजा भाई ने तो हम सारा कुछ आप बताया है, कुछ आप भी बताएं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि सबसे चैनल की मेरे ख्याल से बात हो रही थी, चैनल का मतलब ये बताएंगे चैनल हमारा ये, कि आप ना ये समझिएगा कि बिजनेस आईडी वाला चैनल आ रहा है, हम बिजनेस आईडी की वीडियो अपलोड करेंगे, ये अहमद भाई का चैनल आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, व्लॉगिंग वाला चैनल आ रहा है जिसमें हमारी डेली रूटीन बताई जाएगी, इसमें हम आ रहे हैं जा रहे हैं, आसिम भाई के पास आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, मतलब यानी कि वो चैनल स्टेटस होगा कि ले जी हम घर से निकल चुके हैं, हम ब्रांडेड कट पीस पर जा रहे हैं, हम खाना खाने जा रहे हैं, हम पूल में नहाने जा रहे हैं, हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, ऐसी हो गया, जबरदस्त हो गया। और
इंजॉय करेंगे, खूब खूब दिखाएंगे कैसे इंजॉय करते हैं लाइफ के अंदर, क्या इंजॉय, और बाहर जहाँ पे जाएंगे विजिट करेंगे वो सारी चीज़ें आपके लिए सामने लेके इंशाल्लाह। ये जी पर्सनल एक्टिविटी होगी जो आपको यानी कि ना शेयर करेंगे आपके साथ, तो वो ज़बरदस्त चैनल बड़ा मज़े का होने वाला है कि हमें ये भी पता चलेगा, ये क्या क्या खाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, सारा कुछ मंजर आम पे इंशाल्लाह आएगा। मैं खुद बहुत ज़्यादा नजर आऊँगा उस चैनल के अंदर, भाई नजर नहीं आ रहे पर आप नजर आएगा ज़बरदस्त। ये तो बड़ी मज़े की बात हो जाएगी कि अहमद भाई भी हमें प्रॉपर नजर आएंगे उसमें, तो इसमें फिर ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ गए, फिर मैं भी फोन किया करूंगा भाई आप तो यहाँ घूम रहे अकेले अकेले घूमे, हमें भी तो बुलाएं, तो फिर ये पकड़े जाएंगे, अभी तो कोई बात नहीं, एंजॉय करते रहते हैं। बहुत रिश्तेदार कहते हैं, दोस्त कहते हैं यार आप क्यों नहीं आते, मैंने कहा जल्दी आएंगे जल्दी आएंगे, सबको ये कह के ना मना करते थे इंशाल्लाह जरूर आएंगे इंशाल्लाह, ना कर नई एंट्री मारेंगे, नई एंट्री से आएंगे पता चलेगा चैलेंज शुरू है। देख लें, मैं आपको गलत तो नहीं कहता, पीछे बैठ के हंसते रहते हैं, यहाँ पे भी हंसी जा रहे हैं, देख लें सही होगा। और कुछ अपनी, ये तो हो गया चैनल के लिहाज से, और अपनी लाइफ के बारे में बताएं, आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है और आपने ईद पे क्या करना है? ईद पे सिर्फ SOP पे अमल करेंगे जो इस टाइम हालात जा रहे हैं। अब मैं यही मशवरा करूंगा कि सब भी ये जो है जितने भी देखने वाले हमारे व्यूवर्स हैं, प्यार करने वाले हैं, हमारे भाई बहन हैं, कि वो भी इस पे क्या कहते हैं SOP पे अमल करें, क्योंकि कोरोना बहुत फैला हुआ है, बाकी आप भी इस पे थोड़ा अमल करें। बिल्कुल, इस चीज़ का तो मैं भी आपको बताने वाला था, एंड पे बताना था, इन्होंने अभी से बता दिया। मैं आपको ये बताऊंगा कि SOPs का पर्सनली सभी बहुत ज़्यादा ख्याल करें, कोविड के अपनी जिंदगी जहाँ पे इकट्ठे मत हों, घर के अंदर अपने घर में रह के इंजॉय करें, सबसे बेहतरीन है, बाहर सारा कुछ बंद है, और ये पुलिस भी आपको पता बहुत ज़्यादा तंग करी, मास्क के बगैर तो बिल्कुल ही कतई बाहर ना निकलें। हमने भी अपने देखे, हमने कस्टमर्स के पीछे किया, लेकिन हमने पूरा कोविड को कंट्रोल करने के लिए हमने मास्क, हैंड सैनिटाइजर, हमने सारा उस चीज़ों को करने के बावजूद भी हमें ये कार्रवाइयाँ हमारे साथ हुई, लेकिन कोई मसला नहीं है जी, हमारे नसीबों में थी, अल्लाह पाक ने लिखी थी, मुश्किलें आती रहती हैं तो इनको फेस करना चाहिए, कोई मसला नहीं है। तो आप बस ईद घर बैठे मनाएं और घर में अच्छे अच्छे खाने बनाएं, घर में कैरम खेलें, घर में आप वो अपनी गेम्स वगैरह खेलें, और घर में ही सारा कुछ करें तो ज़्यादा बेहतरीन है। और हमसे भी शेयर कीजिएगा, हम आपको जैसे ही चैनल शुरू होगा तो वो आपको भी बताएंगे कि हमने, और ईद के बाद हमने भी इंशाल्लाह एक प्लान किया हुआ है, एक जगह इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह, तो वहाँ की भी एक छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर शेयर करेंगे हम। और अहमद भाई ये तो हो गया, अब आप अपनी बताएँ कि पर्सनल लाइफ के बारे में बताएँ कि आपकी कोई मेजर उम्र, आपकी उम्र कितनी है ये? 23 साल। 22-23, बहुत छोटा। जब पहले इंटरव्यू आया था मेरे पास 22 साल थी। सही है, आपने ये जरूर बताना था कि हमजा भाई ने 22 बोली के हो गई बूढ़ी, मैंने कुछ नहीं बोला, आपने कमेंट्स में बोलना है, ये मुझे आपने पर्सनली सेंड करने है सामने कि अहमद भाई की उम्र आपको 23 साल लगती है। देखें अगर तो मैं बोल देखे मुझे तो पूछे तो मुझे तो थोड़ी सी ज्यादा लगती है, तो आपने बताना है कि अहमद भाई की उम्र आपको कितनी लगती है। तो मेरी जो मुझे जितनी लगती है, आपको इसमें भी एक ट्विस्ट डाल देते हैं, मैं अपना वो एक मैसेज में अहमद भाई को बोल दूंगा कि मुझे जितनी लगती है, मुझे लगती है कि इनकी उम्र इतनी है, आपने गैस लगाना है, जो ये गैस के करीब तरीन होगा या वो गैस उसका सेम निकल आएगा, उसको मेरी तरफ से ब्रांडेड कट पीस की तरफ से एक अदद सूट गिफ्ट दूंगा। ठीक है जी, आपने कमेंट सेक्शन में बताना जरूर है कि मैं एक लफ्ज इनको बोल दूंगा कि ये है जिनका ये होगा, वो पहले जो कस्टमर होंगे उनके फिक्स आ गया कि मैंने जेन में जो सोचा हुआ है वो उनको मैं पहले बता दूंगा, तो उनको आपके घर में आपने ड्रेस सेंड करना, आपके घर में सूट डिलीवर मैं खुद देने आऊंगा, खुद देने आऊंगा इंशाल्लाह। ये भी आपको क्या काम आपको, उसने मुझे बताया कि किसी तरीके से हम शॉपिंग करने आए, मुझे एक चीज ये बता दें कि हम आसिम भाई हमें मिल सकते हैं, लोग इतना प्यार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये दुआएं हैं। देखें जी मैं सारा दिन वहीं पर होता हूँ, बस थोड़ी जो टाइम में बाहर जाता हूं तो बस हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह हम ईद के बाद की बहुत सी हमारी प्लानिंग्स ऐसी हैं जिसमें आपको और बेनिफिट देने वाले हैं। और आपको एक और बात बता दूं, देखें जी आपको बताया बोला कि कल अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हुआ है, खुशखबरी दी, आपको भी बता दिया लाइव चैनल के ऊपर भी, तो उसकी बड़ी खुशी है हमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें आपको एक और बता दूं कि हमने जो ईद से पहले एक वीडियो अपलोड की थी गोदाम की, जिसमें VHT का बोला गया था स्टॉक का, तो वो हमने बोला था कि 1850 रुपये उसका रेट है। ठीक है, तो इंशाल्लाह
आपको इस खुशी की वजह से बीच ट्री के ऊपर मजीद डिस्काउंट दूंगा इंशाल्लाह। ईद के बाद जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको उस पर यानी कि डिस्काउंट बता देंगे कि उसके ऊपर कितना और डिस्काउंट आपको देंगे, उसकी पूरी एक वीडियो बना के थंबनेल लगा के आपको इंशाल्लाह करेंगे। और हाँ, उसके बाद एक चीज और मैंने बताना, लोगों ने समझा कि बीएसटी का वो स्टॉक ओपन हो चुका है पर अभी ओपन नहीं हुआ, अभी गोदाम नहीं ओपन हुआ वो कस्टमर के लिए, अभी वो बहुत जल्द ओपन होगा। जब ओपन होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। आप शायद को ये गलत फहमी हुई है कि शायद आपको ये बीएसटी को ओपन हो गया, हम गोदाम को नहीं, कोई बात नहीं है, अभी सिर्फ वही आउटलेट है जो पहले वाली ओपन है। बीएसटी का स्टॉक भरपूर कमरे भर चुके हैं तैयार होकर, टू पीस, थ्री पीस, दुपट्टा शर्ट, ट्राउजर शर्ट, शर्ट सिंगल और कट पीस। इसके अलावा जो हमारे पास फेमस 10 ब्रांड आते हैं उनका नया स्टॉक हमारे पास भरपूर 3-4 कमरे भर के हमने शोरूम पर लगा दिए हैं, ताकि जैसे ही कस्टमर ईद के बाद हमारे पास आए तो उनको स्टॉक मिल सके। और भाई इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। देखना इसी के साथ तो हमजा भाई के साथ मैं एंडिंग करना चाहूंगा। हमजा भाई चलते हुए कैमरे में ही आ जाए आप भी, और तीनों यहाँ पे खड़े होते हैं। तो हम आपको जाते जाते ईद मुबारक, दोबारा दिली ईद मुबारक ब्रांडेड कट पीस की तरफ से। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। सर जी आप भी दें जी नाज़रीन, दुआओं में याद रखना, और हम सब की तरफ से ईद मुबारक और हमारी पूरी टीम की तरफ से। अहमद भाई भी कुछ कहना चाहेंगे, दुआएं हैं तो हम हैं क्योंकि आपकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। और कुछ लोग कहते हैं जी आपका बोलने का अंदाज़ बड़ा पसंद है, मेहरबानी जी, और कुछ कहते हैं आप स्लो बोलते हैं तो उनकी भी मेहरबानी जी। आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक, फुल ईद मुबारक। जो अपने परदेशों में बैठे हैं, जो पाकिस्तान कंट्री में नहीं है, पाकिस्तान कंट्री के रहने वाले हैं, उनको सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। सबकी तरफ से दिली ईद मुबारक। और स्पेशल आपको दोबारा बोलते हैं कि हमारे जुनेद जमशेद भाई को दुआओं में याद रखिएगा, ताकि अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, क्योंकि वो मेरे यहाँ पे दिल में रहते हैं। अल्लाह हाफिज़।